बधाई के बदले मनचाहा इनाम ना मिलने पर किन्नर ने प्रसूता के पेट पर लात मार दी, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने किन्नर की जमकर धुनाई की और मामला कोतवाली तक पहुंच गया, जिसके बाद किन्नरों ने माफ़ी मांगी और मामला शांत हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश निवासी विपिन सैनी की पत्नी ने शिशु को जन्म दिया है। ऑपरेशन के बाद वो अपनी पत्नी और नवजात को घर ले आए और सोमवार को काम पर चले गए। इस बीच 12 बजे के आसपास किन्नरों की टोली उनके घर आई और बधाई के रूप में 51,000 रुपये की मांग की। चिकित्सालय में पहले बहुत खर्च हो चुका था, जिसके चलते महिला ने इतनी धनराशि देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद वहां विवाद होता गया। तभी एक किन्नर ने प्रसूता के पेट में लात मार दी, जिसके बाद महिला ने पूरी जानकारी अपने पति को दी। इस बीच महिला के पति के घर पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने किन्नर की जमकर पिटाई कर दी और मामला कोतवाली तक पहुंच गया। सभी लोग किन्नरों के साथ कोतवाली पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद किन्नरों ने महिला और उसके पति से माफ़ी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।